मुझे ये भी पता है कि ये किससे चैटिंग कर रही थी। चैटिंग पकड़ी हुई करती हुई पकड़ी गई, वीडियो कॉल करती हुई पकड़ी गई कि अब आएगा मजा जब दोनों तरफ से जब तीर उधर से भी चलेंगी, तीर इधर से भी चलेंगी और एपी सिंह जी बीच में ऐसे रहेंगे, वो बोलेंगे किसके तीर से बचूं। अभी एपी सिंह जी ऐसे वो फंस गए हैं कि कहां जाऊं, कहां मुंह छुपाऊं, और कहीं वो मुंह नहीं छुपा सकते हैं। तो अब उनके लिए ये हो गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। आज उनको बाबा को नहीं, उनको हार्ट अटैक आना चाहिए था, आज हॉस्पिटल में उनको होना चाहिए था। क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी अच्छी खबरें मिली, पाकिस्तान की जो मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है और पाकिस्तान से जो खबरें आई हैं उनको देखते हुए आज, पर बाबा को क्यों हार्ट अटैक, पर बाबा क्यों वहां गया, ऐसा क्या खिलाया सीमा ने। उस दिन हम वही देख रहे थे, उस दिन ये बहुत नाच रही थी, जिस दिन इसके फादर की बरसी थी हमारे यहाँ पे, जब 1 ईयर हो जाता है तो उसको बरसी बोलते हैं, तो जिस दिन इसके फादर की बरसी थी उस दिन इसको ध्यान क्यों नहीं आया, जब ये कहती है कि भाई मेरे पिता, मेरे बाप ने मुझे पाला पोसा, हैदर मुझे कुछ नहीं देता था। तो जिस बाप, जो बाप उस दिन उस डेट पे खत्म हुआ और उसकी बरसी थी, तो उस दिन कहाँ गई थी तू, तेरे को क्यों याद नहीं था कि तेरे बाप की बरसी है, क्यों तू नाच गाना कर रही थी, क्यों तू याद नहीं कर रही थी उसको, अगर तू इतनी ही कर्तव्यवान थी और तू इतनी ही निष्ठावान थी उनके प्रति, तो तू उनको नींद की गोलियां देने की क्यों सुलाती थी, फिर तुझे वो दिन क्यों याद नहीं था कि जिस दिन के लिए तू अपने आप को आज तक कोस रही है कि मेरे बाप की मृत्यु हुई तो मुझे नहीं आने दिया, अगर तू चाहती तो यहाँ पे भी उनका तू कुछ कर सकती थी, जैसे हमारे में बरसी में करते हैं, हमारे हिंदुओं में होता है बरसी, बरसी करते हैं साल भर में, तो बहुत अच्छी तरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि उस आत्मा को और शांति मिले, वो आत्मा एकदम वो हो जाए, हम लोग उनको पितृ रूप में मानने लग जाते हैं, लेकिन इसने तो उस दिन बहुत ही ज्यादा वो कर दिया। अब आई बाबा की बारी, आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पता चल गया कि भैया आप पाकिस्तान से ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है इसने जानबूझ के बाबा को कुछ खिला दिया, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रही हूँ ये, क्योंकि बाबा ने बोला था ना आग लगा दूंगा मैं पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान वाले इसको ले जाएंगे, तो बाबा ये तेल भी खा के जा रही है, आराम से रहना, अब तेल भी खा के 18 तारीख आएगी, उससे पहले तेल भी ना हो जाए बाबा की। अभी उसने बच्चों को देखो ना कितना वेल ट्रेंड कर दिया है, जैसे कि बच्चे यही हुए हैं, यही पैदा हुए हैं, यही जन्मे हैं, पूरी भाषा जो है वो रघुपुरा की बोल रहे हैं, जो आज तक हमें नहीं आती है। हम दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली हमारे बगल में नोएडा है, 100 किलोमीटर दूर है, बगल में तो नहीं बोलूंगी, 100 किलोमीटर दूर है, बट हमें नहीं आती है उस तरह से भाषा जिस तरह से अभी वो बच्चे बोलने लगे हैं। तो आप ये लगाइए कि उन बच्चों को किस कदर इन्होंने ट्रेनिंग दी, किस कदर इन्होंने वो सिखाया उन बच्चों को। एपी सिंह जी का आप पीछे मुड़ के जाइए, पीछे मुड़ के इनके घर में इतनी रात रात को आना, इतनी देर देर तक रहना, ये सारा श्रेय जाता है एपी सिंह जी को। आज बच्चे अगर अपने पापा से, अपने फादर से मिलने के लिए कभी उन्होंने नहीं बोला, तो उनको इस तरह से डराया धमकाया गया होगा कि खबरदार अब आपको यहीं रहना है, पाकिस्तान का किसको भी नाम नहीं लेगा, पाकिस्तान में आपके कोई फादर नहीं है, आपका फादर ये लप्पू है, इस लप्पू का कहना मानना है आपने और इस लप्पू को ही आपने बोलना है, नहीं बोलेंगे तो मैं भी, हो सकता है उनको डरा धमका के बुलवाया जाता होगा। तो आज बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही हैदर भाई का नाम नहीं लेते हैं, और किसी ने भी ये कोशिश नहीं की, स्ट्रीम मीडिया वालों ने, हम लोग क्या ही करेंगे और क्या ही वो करेंगे जब तक हमें इजाजत नहीं मिलेगी, हम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई एक बार बाप से तो बच्चों को मिलाओ। क्या कभी किसी स्ट्रीम मीडिया वालों ने उठाया ये सवाल, कभी उन्होंने ये बोला कि भाई चल तो इतना बोलती है कि हैदर तेरे को, हैदर ने तेरे को तलाक दे दिया था, और ये बच्चे हैदर को जानते ही नहीं है, तो इतने में दिखा देते ना भाई, एक बार मिला देते चारों बच्चों को, खड़ा करके दिखा देते हैदर भाई के सामने, बोलते कि पहचानो अपने बच्चों को या पहचानो अपने बाप को, तो फिर पता चलता ना कि बच्चे उसके हैं हैदर भाई के। अरे सरिता दीदी जी, एक सारा हिंदुस्तानी न्यूज चैनल थे जो हैदर भाई को लालच देकर उनको ये बोलते थे कि मैं, आप हमें इंटरव्यू दें, हम अब बच्चे जो है ना आपके उनसे बात कराएंगे। हैदर भाई उनसे सबसे पहले यही डिमांड करते थे, ठीक है मैं आप लोगों को इंटरव्यू दूंगा, बच्चे भी विशाल बेटा मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। तो
उनको उनको बिल्कुल बोलते रहे कि हाँ ठीक है आप आए, आप हमें इंटरव्यू दें, बच्चे भी साथ होंगे। जब वो उनको ले लेते थे बच्चे सामने होते ही नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात ये है कि सरिता दीदी, जब वो हैदर भाई ने कोशिशें की, मांग की कि मुझे कम से कम बच्चों से तो बात कराई जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो वहां से इतलात आई, आपने भी सुना होगा कि बच्चों को परमिशन नहीं है हैदर भाई से बात करने की, और हैदर भाई भी यही हर रोज बोलते रहे कि क्यों वो गालियां दे सकती है, वो बुरा भला बोल सकती है पाकिस्तान को, मुझे बुरा भला बोल सकती है, तो बच्चों को क्यों, बच्चों पे बैन लगा हुआ है। बोल रहे हैं कि बच्चों से मुझे मिलाइए। जब वो कह रहे थे कि मैं जब सऊदी में था तब भी मैं पहले जब तक मैं बच्चों से बात नहीं करता था, और जब तक मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करता था बच्चे सोते नहीं थे, तो इस औरत को, ये बेगैरत औरत को, इस औरत को इतनी शर्म नहीं आई कि एक बच्चे, एक मतलब एक बाप से उनके बच्चों को इतना दूर रखा इसने, और इतना वो किया, स्ट्रगल किया इसने उन बच्चों को दूर रखने के लिए कि इसने फोन तक छिनवा दिया, यहाँ आके नप्पू ने फोन तक छीन दिया बच्चों से कि कहीं बच्चे बाप से बात ना कर ले। उसके बाद ये औरत आके मीडिया पे बोलती है कि 1.5 महीने तक तुझे मेरी याद क्यों नहीं आई। अभी बेगैरत औरत, तूने क्या 1.5 महीने तूने वो सिम रखी हुई थी जिस सिम से तू बात कर रही थी, और जिस दिन तू आई तूने क्या बोला कि साहब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क इशू चल रहा है, उस टाइम पे आपके यहाँ पे कोई इशू चल रहा था तो उस टाइम पे, कि अभी मैं फोन नहीं कर पाऊंगी, बात बात नहीं होगी तो आप गुस्सा मत होइएगा। तो इस तरह से उनको वो दे के आई, और उसके बाद तो कहती है कि उन्होंने तुझसे रास्ता करना था, तू जैसी बेवकूफ भगोड़ी औरत, जब तू यहाँ के हमारे यहाँ के उसमें थाने में पकड़ी गई, थाने में ले जाई गई, उन्होंने तब तुझे देखा, तब जाके उसने यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी से, वहां पे कोई बंदा रहता होगा हिंदुस्तान का कि भाई देखिए ये कहाँ का वो है, ये कहाँ का थाना है, कौन से कंट्री का थाना है, कौन से देश का थाना है, फिर वहां पे उनको पता चला कि हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रघुपुरा का है ये, तब जाके उन्होंने यहाँ पे किसी व्यक्ति से रास्ता किया कि भाई ये मेरी वाइफ है, ये पाकिस्तान से आई है, ये तो वो चीज सब भूल गई है, तो वो चीज भूल गई है जब तेरे को बच्चों के बिहाव पे उनके हैदर भाई के नाम से तेरे को जेल दी गई। पहले से ही हम लोग हैदर भाई के लिए खड़े थे, और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि अब तो खुशी इतनी हो रही है क्योंकि अब पाकिस्तान से मीडिया भी उनके साथ में है, पाकिस्तान से सारे लोग उनके साथ में हो गए हैं। कोई बात नहीं है, देर हुई है, हो सकता था कि उनकी किस्मत में इतना कष्ट था, तो जितना जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, पहले भी बोलती थी और अभी भी बोल रही हूँ, इस औरत का जितना दाना पानी यहाँ का लिखा हुआ है इसकी किस्मत का है। हैदर भाई ने जितनी तकलीफ सहनी थी उन्होंने सहनी, अब दोनों तरफ से बहुत अच्छा वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से जो आवाज उठ रही थी वहां से बहुत कम थी, नहीं थी, और अब जैसे उठ रही है तो बिल्कुल बच्चे हमें, मुझे तो बस आज सुन के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अब बहुत जल्दी, क्योंकि अब मांग होने लग जाएगी, जैसे अंसार बंदी जी जिस जब से आए हैं मोमिन मलिक साहब को लेके, तो उस टाइम से हम लोगों की बिल्कुल एक आस जगी है कि हाँ अब ये सब कुछ होने वाला है, जितना एपी सिंह जी ने जितना हम लोगों को बेवकूफ बनाया, और जैसे कि उन्होंने कल बोला भी है कि जितना बेवकूफ आपने बना दिया जनता को, आप बेवकूफ मत बनाइए। आप जिस तरह से हैदर भाई को बोल रहे हैं कि वो वहां से नहीं लड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप कहां से पढ़ के आते, कहां आपने ये वकालत कहां से की सर, बताइएगा।